अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 25। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि ऑटो कैड में आप ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्स्ट किस तरह लिखते हैं, टेक्स्ट की टाइप कौन कौन सी है और किस तरह इस पे काम किया जाता है। स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ। पहले मैं आउटलाइन को देखता हूँ, हाउ टू इंसर्ट मल्टी लाइन टेक्स्ट इन ऑटो कैड। आप मल्टी लाइन टेक्स्ट किस तरह इंसर्ट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन मल्टी लाइन टेक्स्ट एंड सिंगल लाइन टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट में क्या फ़र्क होता है ऑटो कैड 2015 में। ऑटो कैड को ओपन करता हूँ, तो आज हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट या सिंगल लाइन टेक्स्ट जो है वो आपका जी आता है यहाँ पे पैरामेट्रिक्स में, नहीं तो एनोटेट्स पे आपके पास ये आता है मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास यूज होता है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, किस तरह यूज किए जाते हैं, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। और मल्टी लाइन टेक्स्ट से सिंगल लाइन टेक्स्ट की जो शॉर्ट कमांड है टी है, टेक्स्ट की जो शॉर्ट कमांड है टी ई आई थिंक, कंप्लीट आपने टेक्स्ट लिखना होगा इसी शॉर्ट कमांड टी ई एक्स टी आई। खाली टी जो कमांड है ये मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए होती है और जो सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है उसके लिए आपने सिर्फ टेक्स्ट टी ई एक्स टी लिखना होगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ टेक्स्ट में मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट, और उसके अलावा आपके पास जो टेक्स्ट का ऑप्शन होगा वो होगा जी आई थिंक फॉर्मेट में टेक्स्ट का स्टाइल है, देख सकते हैं यहाँ पे। ड्रॉ में टेक्स्ट आप देख सकते हैं, टेक्स्ट है मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट, ये इंसर्ट यहाँ से होते हैं और इनका जो स्टाइल चेंज होगा, फॉर्मेट जो चेंज होगा वो होगा आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट का स्टाइल यहाँ से चेंज होगा। मल्टी लाइन टेक्स्ट का स्टाइल कैसे चेंज होता है इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो मैं खाली पहले टी एंटर करता हूँ, जब खाली जब मैं टी टेक्स्ट लिखता हूँ तो देखिएगा कि हमारे पास सिंगल लाइन टेक्स्ट अप्लाई होगा। टेक्स्ट कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट है, हाइट कितनी देनी है, हाइट भी आप दे सकते हैं आप यहाँ से, मैं इसको रोटेशन जीरो है जीरो ही करके एंटर करता हूँ। एक देखें एक एरिया हमारे पास आ गया यहाँ पे, इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं टेक्स्ट लिखें हेलो वर्ल्ड। अभी जो टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड के नाम से जो टेक्स्ट है इसमें देखें ना तो साइज चेंज हो रहा है कहीं से, यहाँ से मैं साइज चेंज करता हूँ इसका, देख सकते हैं साइज वाला नहीं चेंज होता। जो टेक्स्ट जो होता है इसमें साइज वगैरह चेंज नहीं होता, इसमें कलर वगैरह चेंज नहीं होता, जबकि आपका जो साइज इसमें जो आप देते हैं वो आप देते हैं, आप टी एंटर करता हूँ, जब मैं टी एंटर सॉरी टी तो मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट के लिए टी ई एक्स टी है, सिंगल टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट कहते हैं स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, स्पेसिफाई हाइट, हाइट देना हाइट, हाइट में यहाँ से देता हूँ 10 फुट, स्पेसिफाई रोटेशन जीरो एंटर। अब देखिए यहाँ पे अब ये 10 फुट का आ गया है साइज का, हेलो वर्ल्ड देख सकते हैं। रोटेशन क्या होती है, इसमें रोटेशन आप किस तरह चेंज करते हैं उसके ऊपर भी अब मैं डिस्कस करता हूँ। टेक्स्ट टी ई एक्स टी लिखता हूँ मैं, फर्स्ट पॉइंट 5 फुट का टेक्स्ट लिखता हूँ, रोटेशन इसको देता हूँ 45 की रोटेशन में, टेक्स्ट देना चाहता हूँ लिखना चाह रहा हूँ 45 की रोटेशन में, आप देखें हेलो वर्ल्ड लिखा गया है, देख सकते हैं। स्केप का बटन प्रेस करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, टी ई एक्स टी एंटर। अब देख सकते हैं मैं 10 फुट स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, टी ई एक्स टी एंटर, इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, 10 फुट टेक्स्ट लेना चाह रहा हूँ और जीरो रोटेशन देना चाह रहा हूँ, तो ये उसी तरह स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट, ये तो था मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए, आप सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए आप इंसर्ट करते हैं टेक्स्ट लिखते हैं, देख सकते हैं लिखा लिखा हुआ है। मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए एम आप एम टेक्स्ट आप लिखेंगे तो मल्टी लाइन टेक्स्ट आपका अप्लाई होगा, आप देख सकते हैं। या फिर आप ओनली टी एंटर करें, टी टेक्स्ट के लिए अप्लाई हो गया, इसके लिए आपने रेंज देनी है, कुछ एरिया देना है, सिलेक्ट करें ये एरिया के अंदर भी टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, देख सकते हैं। और इस टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है कम करना है, आप यहाँ साइज कम ज्यादा कर सकते हैं,
ये स्टैंडर्ड साइज है, साइज में यहाँ से इसका कम ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, तो साइज़ आप कम करें, कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको। मैं 5 फुट का साइज़ देता हूँ इसको, 5 फुट का साइज़ आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे। इसको बैक स्पेस, इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, हेलो वर्ल्ड, देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया। अब ये हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ गया है, इसको मैं बोल्ड में फॉर एग्जांपल इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, सी पी इसकी शॉर्टकट होती है यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड, राइट क्लिक करता हूँ कॉपी कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, देख सकते हैं। अब ये जो स्टाइल है, इस स्टाइल को मैं यहाँ से इसको फॉर एग्जांपल बोल्ड कर दिया मैंने, इसका राइटिंग स्टाइल मैंने चेंज कर लिया, फॉर एग्जांपल एरियल, यहाँ से मैंने कोई स्टाइल का चेंज कर देता हूँ, एरियल नैरो स्टाइल कर दिया मैंने इसका। इसको कलर देता हूँ, तो आप कलर दे सकते हैं, मास्क देना है मास्क दे सकते हैं, अंडरलाइन भी शो करता हूँ। अब इसका स्टाइल चेंज हो गया, अब मैं चाहता हूँ यही स्टाइल जो है, ये वाला जो स्टाइल है, ये नीचे वालों पे भी अप्लाई हो जाए, तो उसको सिलेक्ट करके आप मैच पे क्लिक करें और नीचे वाले इन स्टाइल को सिलेक्ट करें। देखिए नीचे वाले मैच हो गया, उसमें भी अंडरलाइन हो गया और कलर का स्टाइल भी, टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज हो गया। नेक्स्ट उसके बाद अंडरलाइन का भी आपको पता चल गया, ये इसका फंक्शन क्या होता है, अटैलिक, अटैलिक होता है थोड़ा तिरछा करने के लिए, तिरछा हो गया टेक्स्ट, थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको नजर आए, तिरछा हो गया। ये स्ट्रेक, तो इसके बीच में से लाइन देने के लिए आप स्ट्रेक तो अप्लाई करें, देखें इसके बीच में से लाइन जा रही है, स्टाइल है ये भी एक। ये अंडरलाइन नीचे इसकी लाइन आ जाएगी, ये इसके ऊपर लाइन आ जाएगी, आप देख सकते हैं। इसको मैं इस पर अप्लाई करूँ ताकि आपको इजीली नजर आए, अंडरलाइन करते हैं इसके नीचे लाइन आ गया, ये करते हैं इसके ऊपर भी लाइन आ गया, आप देख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, एक्स को स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ, या नीचे यहाँ पे लिखता हूँ एक्स टू, मैं इस टू को स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ एक्स का, सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करता हूँ, स्क्वायर बन गया। बेस बनाना चाह रहा हूँ, नीचे क्लिक करता हूँ, बेस बन जाएगा। राइटिंग स्टाइल आपने चेंज करना, आप राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, क्लिक करें यहाँ पे, अपर केस है लोअर केस क्लिक करें, सारा का सारा स्मॉल में आ जाएगा, अपर केस पे क्लिक करें सारा का सारा कैपिटल में आ जाएगा, लोअर केस करते सारा का सारा स्मॉल कैप में आ जाएगा। स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइटिंग एरियल स्टाइल है, जो भी आप स्टाइल देना चाहें, बाय लेयर पे आपने मतलब कलर्स का देना चाह रहे हैं, आप यहाँ से कलर दे सकते हैं, देख सकते हैं आप कलर चेंज हो गया इसका। क्लियर, रिमूव करेक्टर फॉर्मेटिंग क्लिक करें, रिमूव हो जाएगा जो भी आपने फॉर्मेटिंग दी हुई है, कलर वगैरह दिया हुआ है, जो भी चीज़ आपने दी हुई है। क्लियर, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को ये रिमूव कर देगा, और रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग, जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग दी हुई है सारी सारी को क्या कर देगा, रिमूव सब को मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। इनमें फॉर्मेट चेंज किया हुआ है मैंने, इसको अटैलिक किया है, अंडरलाइन किया हुआ है, इन सब की फॉर्मेटिंग को चेंज खत्म करना चाहता हूँ, रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग में क्लिक करता हूँ, देखिए सब की फॉर्मेटिंग क्या हो गई, यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट आपके पास टॉप है, राइट है, ये देखें यहाँ से मूव हो जाता है, लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, राइट पे चला जाएगा, देख सकते हैं। टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आपने स्टाइल इसको मूव करना है यहाँ से, आप बुलेट्स नंबर आपने अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल एंटर करता हूँ इसको, इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इन पे बुलेट्स और नंबर अप्लाई करना चाह रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करें, नंबरिंग आपने अप्लाई करनी है, क्लिक करें, नंबरिंग आ जाएगी, देख सकते हैं। लेटर्स लोअर केस है अपर केस है, बुलेट्स अप्लाई करते हैं, क्लिक करें तो बुलेट्स आ जाएंगे यहाँ पे, इसके साथ कुछ भी नहीं देना, तो आप इसको ऑफ कर दें यहाँ से, नंबरिंग और बुलेट्स को ऑफ कर दें। लाइन स्पेसिंग में बढ़ाना चाह रहे हैं आप, तो लाइन स्पेसिंग देखें बढ़ रही है, नहीं देना चाह रहे तो 1.0 करें, 1.0x आ जाएगी। टेक्स्ट को आपने मूव करना है, इसको सेंटर में लेके आना चाह रहे हैं इस पूरे पेज के, यहाँ से सेंटर में चला जाएगा, आप देखें राइट पे चला गया, देख सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल ये, क्योंकि मेरे पास एरिया ज़्यादा है, आप यहाँ पे आप देखें एरिया बहुत ज़्यादा है, मैं इसका एरिया कम करता हूँ। अब आप देखिएगा, क्लिक करें यहाँ पे, देखें सेंटर में चला गया, राइट चला जाएगा, जस्टिफाई चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे के पूरे पेज पे, जस्टिफाई कर दें आप। टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप कॉलम ही बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी,
टैक्स बहुत ज़्यादा बन गया है। पूरे टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया या फिर मैं कंट्रोल्स स्केप करता हूँ, दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, टी एंटर। टेक्स्ट का साइज मैंने कितना दिया था, यहाँ से आप वो साइज दे दें, 5 फुट मैंने साइज दिया था इसका। इसी को सिलेक्ट करता हूँ मैं, कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, थोड़ा सा इसको मैं बढ़ाता हूँ ताकि पूरा हो जाए इस पर। ओके, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी यहाँ तक, इस टेक्स्ट में यहाँ तक लिख लिया। अब इसको मैं चेंज करता हूँ कॉलम में, तो आप देखें यहाँ पे क्लिक करें, नंबर ऑफ कॉलम है, नो कॉलम, कॉलम आप नहीं देना चाह रहे, आप कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आपने कॉलम को स्टार्ट करना है, स्टैटिक कॉलम 2 3 4, 4 कॉलम पे इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ, तो आप टेक्स्ट आपका 4 कॉलम में हो जाए, लेकिन उसके लिए मैं कॉलम को मैंने यहाँ से एडजस्ट करना होगा। नो कॉलम, कॉलम में नहीं है, डायनामिक कॉलम, ऑटो हाइट देख सकते हैं, मैनुअल हाइट, स्टैटिक कॉलम, इंसर्ट कॉलम, ब्रेक एंटर, तो यहां से आप इसको कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉलम सेटिंग्स में जाएं और डायनामिक और ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स, इनमें आपने छेड़छाड़ नहीं करनी, तो क्योंकि ऑटोकैड में इतना टेक्स्ट हम लिखते ही नहीं, इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता हमको, कॉलम वगैरह में डिवाइड नहीं करना पड़ता। उसके अलावा सिंबल है काफ़ी सारे, आप यहाँ से सिंबल देना चाहें तो सिंबल दे सकते हैं, अपने टेक्स्ट में देखें डेल्टा का सिंबल आ गया, यहाँ से आप सिंबल देते हैं, इलेक्ट्रिकल का सिंबल आ गया, कोई भी अदर सिंबल है, यहाँ पे क्लिक करें तो काफ़ी सारे सिंबल हैं, जो भी आपको सिंबल चाहिए आप उसको इंसर्ट कर लें, सिलेक्ट करें, सेलेक्ट करें, कॉपी कर लें, तो ये सिंबल जितने भी हैं आपके पास यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। स्पेलिंग ग्रामर चेक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको आप चेक कर सकते हैं, एडिट है, फाइंड रिप्लेस है, फाइंड कोई भी वर्ड आपने फाइंड करना है फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे आप जाएं, स्पेलिंग चेक मिस्टेक हमारे पास कोई भी नहीं है, हमारे पास स्पेलिंग ठीक है इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक नहीं देगा। डिक्शनरी में ऐड करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस है, फाइंड क्या मैं करता हूँ, मैं हेलो हेलो को फाइंड करता हूँ, जहाँ जहाँ हेलो देखें आपको बता रहा है, रिप्लेस करता हूँ हेलो को हाई के साथ, रिप्लेस आल करता हूँ, देखें जहाँ पे भी जितने भी हेलो हैं सबके सब रिप्लेस हो गए हाई के साथ, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स ही आपके टेक्स्ट के लिए अप्लाई की जाती थी, तो अब इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ टेक्स्ट एडिटर को, तो हमारे पास देखें टेक्स्ट हमारे पास अप्लाई हो गया, देख सकते हैं टेक्स्ट अप्लाई हो गया। डिलीट करना है टेक्स्ट को तो यहाँ पे क्लिक करें और डिलीट का बटन प्रेस करें, टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। तो ये था ये मल्टी लाइन टेक्स्ट एंड सिंगल लाइन टेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, टेक्स्ट हम किस तरह इंसर्ट करते हैं और टेक्स्ट पे काम किस तरह करते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।